हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सा सिलिप्स के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने दोनों ही यहाँ पर कटिंग कर ली है, लाइलिंग और हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर ली। इसके लंबाई हमने रखी है 11 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 8 इंच। अब यहाँ से भी 8 इंच ले लेनी है और यहाँ से 3 इंच पर मेजरमेंट करते हुए ये कटिंग कर ली है। तो पहले हम जो यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क लगाए हैं और ऐसे ही शेप दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको अच्छे से शेप देने के बाद दोनों ही अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे। हमारा लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों ही कटिंग हो चुकी है। अब इसको और हम रखेंगे ऊपर के साइड और हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है उनको ऊपर के साइड रखेंगे। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिचिंग कर लेनी है और यहाँ पर अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर घुमाते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा देंगे। तो अब हम ना यहाँ पर कट लगाने के बाद जो बची हुई फैब्रिक है थोड़ी बहुत उसे भी कट करके निकाल देंगे। अब कट करने के निकालने के बाद मिडिल पॉइंट में जो छोटा सा कट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पलटने से यहाँ पर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से निकालने के लिए यहाँ पर कट लगाना है। तो कट लगाने के बाद दूसरे तरफ हम इसे पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा अच्छे से पलट चुकी है और इसमें हम अटैच कर लेंगे। तो स्टिचिंग कर लेते हैं, चारों साइड स्टिचिंग करके इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी भारतीय फैशन ऑफिशियल ब्लॉग की सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना। हम जब भी नए नए वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको। तो देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से पैक कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा बची हुई फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो हमारा जो स्लीव्स है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन डालने के लिए हम पहले इसके ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे ही ट्रायंगल शेप में इस ड्रॉ को हम करेंगे। आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल शेप में ड्रॉ कर ली है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए इसको लंबाई और चौड़ाई 2 इंच चौकोन शेप में कटा हुआ भी कपड़ा ली है, टुकड़ा ली है। ऐसे ही ढेर सारी जो फ्लावर पत्ती है उसे तैयार कर लेनी है। तो ढेर सारी फ्लावर पत्ती तैयार करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से फिनिशिंग करके कटिंग भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस फ्लावर पत्ती को तैयार कर ली है। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे आपको भी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो बची हुई फैब्रिक है उसे भी कट करके निकाल देंगे। तो हमने फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर सुई धागा के मदद से चारों ओर घुमाते हुए इसे स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर मिरर में लगाएंगे मोती और मोती लगाने के बाद इसे अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे और चारों ओर लगाएंगे छोटे छोटे मोती जो कि काफ़ी अच्छे लुक देगी। आप सभी देख ही सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से नोट देके फिक्स कर लेती हूँ और सबसे छोटे वाले जो बीट्स मिलती है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर आपको लगभग 5 से 6 बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम एक ही बना के आप सभी को दिखा रही हूँ। ऐसे ही आप थोड़ी सी बड़ा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लगभग 3 साइज में इस फ्लावर को क्रिएट किए हैं, 3 या फिर 5 होगा, 5 साइज में इस फ्लावर को हमने क्रिएट किए हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने छोटी वाली बीड्स को लगाए हैं उसको भी अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब नीचे के साइड अच्छे से नोट लगा के इस फ्लावर को कम्प्लीटली तैयार कर ली है।
तो देखिए कितना खूबसूरत सा छोटे छोटे फ्लावर बना के हम तैयार कर ली है। तो इतना सारा ही हमें फ्लावर चाहिए होगा, तो हम इसको इस पट्टी को लेनी है और डबल करते हुए इसे फोल्ड कर लेनी है। लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेनी है इस पट्टी को। ऐसे ही इस स्टिचिंग कर लेंगे। अब छोटे छोटे प्लेटेस डालने के लिए इसे स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेटेस से लगा लेते हैं। तो जितना बड़ा हमारा पट्टी है और जितना ही हमें चाहिए होगा उतने बड़ा ही हम यहाँ पर प्लेटेस लगा के इसको तैयार कर ली है। अब जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में चौक के मदद से इसे ड्रॉ किया था उसे और एक अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लगाएंगे लेस। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और सा भी लेस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर अच्छे से नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिर से घुमाते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद जितना सारा हमने फ्लावर बनाया है उसको सुई धागा के मदद से स्टिचिंग करने से करेंगे। उससे पहले हम जो इस फ्रिल को बना के तैयार किए हैं उस फ्रिल को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ऐसे ही अंदर के साइड 1/2 इंच लगभग फोल्ड करनी है। 1/2 इंच अंदर के साइड डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्लिप्स और बन के तैयार हो जाएगी लगभग। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ फ्लावर स्टिचिंग करेंगे सुई धागा के मदद से और इसको जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। तो आपको भी ऐसे ही पहले मेजरमेंट करके देख लेनी है जो कौन सा फ्लावर कहाँ पर अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही हम सुई धागा के मदद से चलिए इसे फटाफट से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है, कितना इजी तरीके से इस खूबसूरत सा स्लीव्स को बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक करना और चैनल के अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना। तो अच्छी तरीके से इसे पक्का करने के बाद हम दूसरे फ्लावर को यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे ही 4 फ्लावर यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कम्प्लीटली हम इस फ्लावर के लगा के तैयार कर ली है। अगर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।